हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इग्नू की तरफ से जो बहुत लेटेस्ट अपडेट आपके लिए अपडेट किया गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फाइन, तो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो या फिर बीएससी के हो या फिर कोई मास्टर डिग्री के हो या फिर कोई बीएड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए नोटिस जारी की गई है इग्नू की तरफ से। इसलिए वीडियो कम्प्लीट और लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग सभी नोटिफिकेशन के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 के लिए आपका रिजल्ट अपडेट किया गया था सितंबर 13 को। इसलिए आप लोग अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल करके सबमिट करके आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट हुआ है। किसी भी तरीके की इश्यू आती है देन आप कमेंट कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, और नेक्स्ट नोटिफिक में जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2021 के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, उसका अपडेट आया है जो कि 12 ऑफ सितंबर को आया है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप अपना चेक कर लीजिएगा असाइनमेंट का स्टेटस। राइट, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो दिल्ली वन रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम बीएससी है या फिर सीपीएलटी है या फिर पीजीडीएसी है, तो उन सभी स्टूडेंट्स का लैब का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है, जहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बीएससी प्री रिवाइज प्रोग्राम हु आर एलिजिबल फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल इज विंग। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, तो ये है 2020 सितंबर से आपका स्टार्ट है। फाइन, तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है और कोर्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम ये सब है तो वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले। पहले तो देख ले, तो ये लंबा सा लिस्ट निकाला गया है जो की 135 पेज का है, लास्टली आप देख पा रहे हैं। फाइन, और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, और नेक्स्ट अपडेट श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम एमसीए है या फिर बीसीए है या फिर पीजीडीसीए है या फिर सीआईटी है या फिर बीएलआईएस है या फिर सीएमएडी है या फिर सीबीएस है और यहाँ पर लास्टली पीजीडीएलएएन है, तो इन सभी का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, जिसका शेड्यूल और एग्जामिनी का लिस्ट आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बीएलआईएस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सा लिस्ट दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है, एनरोलमेंट नंबर है और डेट और सेशन है, टाइमिंग है, नेम ऑफ इवेलुएटर यहाँ पर दिया गया है। फाइन, तो जो भी स्टूडेंट श्रीनगर रीजनल सेंटर के है और उनका प्रोग्राम बीएलआईएस है, देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर ले। आपका प्रैक्टिकल होने वाला है और ये ऑनलाइन होगा, जो कि आपको गूगल मीट लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। राइट, तो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी तरीके की इशू आती है देन कमेंट करें। फाइन, और नेक्स्ट लिस्ट निकाला गया है जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब प्रोग्राम है, एमसीए बीसीए सीआईटी ये सब, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, एग्जाम का डेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स श्रीनगर रीजनल सेंटर के हैं और उनका ये सब प्रोग्राम है, देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले। किसी भी तरीके की इश्यू आती है देन आप कमेंट करें। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, और आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, जो की लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। राइट, और नेक्स्ट अपडेट कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, जो की काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ प्रीवियस कन्वोकेशन, जिन भी स्टूडेंट का प्रीवियस कन्वोकेशन में डिग्री कंप्लीट हुआ है, तो सबसे पहले तो उनका लिस्ट भी दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का डिग्री रीजनल सेंटर पर आ चुका है, और जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं आया है या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स का डिग्री अवेलेबल है रीजनल सेंटर कोलकाता पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स का नाम और प्रोग्राम के साथ डिग्री नंबर, कन्वोकेशन नंबर, फीस और आरसी कोड यहाँ पर दिया गया है। राइट, तो इन सभी स्टूडेंट्स का डिग्री अवेलेबल है रीजनल सेंटर पर, तो ये सब जाकर के रीजनल सेंटर से अपना डिग्री ला सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होगा, देन वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रिलीज किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो भी आपका डेटा मांगा जाएगा, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये सब आपको डाल देना है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो डीडी नंबर आपको डालना है, डीडी डेट डालना है, और कितने पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि प्लीज नोट फी ऑफ ऑब्टेनिंग डिग्री इज एज अंडर फाइन। तो आरएस 350 रुपए लगेंगे अगर 23rd या फिर 24th या फिर 26th कन्वोकेशन में आपका डिग्री कंप्लीट हुआ होगा, तो सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। फाइन, तो इसमें से देख लेना है कि आपका डिग्री कब कंप्लीट हुआ है, कौन से कन्वोकेशन में। राइट, तो ये डीडी रहेगा आपका, जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल देंगे देन आपका 5-6 दिन के अंदर में आपके रीजनल सेंटर पे आपका डिग्री आ जाएगा और आप इजिली ले सकते हैं। तो आप लोग लेट मत करें, ले ले अपना डिग्री। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है डिग्री लेने के लिए।
तो राइट। और नेक्स्ट, जयपुर रीजनल सेंटर से बहुत धमाकेदार नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जिन भी स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो जो भी स्टूडेंट पहले वाले मेरिट लिस्ट में, अगर वो वेटिंग लिस्ट में थे तो वो अपना नाम इस मेरिट लिस्ट में जरूर चेक करेंगे, मे बी उनका नाम इसमें होगा क्योंकि ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक नर्सिंग January 2021 राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 27 स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट निकाला गया है जो कि आपका स्टूडेंट्स के नाम, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम, कैटेगरी, मार्क्स, ईयर सर्विस, मंथ सर्विस, डे सर्विस, GNM और स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स है जो कि जनरल के कंफर्म लिस्ट में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स है 91 और 91, तो ये दोनों स्टूडेंट्स कन्फर्म है जनरल के मैरिट लिस्ट के अंदर। और स्टूडेंट्स जो कि जनरल के ही है यहाँ से वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स डाले गए हैं ठीक है। तो टोटल 5 स्टूडेंट है जो कि जनरल के वेटिंग लिस्ट में डाले गए हैं जिनका मार्क्स है 91, 90, 90, 90 और 90 राइट। और ओबीसी का फिर स्टार्ट हो जाता है जहाँ से दो स्टूडेंट्स ओबीसी के अंदर कन्फर्म मेरिट लिस्ट में डाले गए हैं जिनका मार्क्स है 91 और 90 राइट। और फिर ओबीसी के अंदर वेटिंग लिस्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स यहाँ पे है 90, 89, 89, 89 और 89 ही राइट। और नेक्स्ट एससी कैट लिए स्टार्ट हो जाता है, तो एससी के अंदर दो स्टूडेंट्स है जो कि कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जिनका मार्क्स है 90 और 90 राइट। और 3 स्टूडेंट एससी के वेटिंग लिस्ट में भी रखे गए हैं राइट। और यहाँ से एसटी के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो एक ही स्टूडेंट है जो कि एसटी के कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जिनका मार्क्स है 85 राइट। और दो स्टूडेंट्स को एसटी के वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक ही स्टूडेंट है जिनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है, उनका मार्क्स है 84 और बच्चे 4 स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस के अंदर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये है बीएससी नर्सिंग के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो स्टूडेंट्स आप अपना नाम इस लिस्ट में जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट। और नेक्स्ट अपडेट बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम बीएससी है देन उनका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो एग्जामिनिंग का लिस्ट आपको निकाल दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का नाम भी मेंशन किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बीजापुर रीजनल सेंटर के है और उनका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा देन आपको रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करना होगा, देन उसके बाद फिर आपका नाम ऐड किया जाएगा, देन आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होंगे राइट। तो बीजापुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है बीएससी का, एक बार इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट। और नेक्स्ट अपडेट हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम एमए पीसी है देन उनका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2021 के लिए, जिनका कोर्स कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इन सभी प्रोग्राम का आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनी का लिस्ट भी निकाला गया है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। टोटल पेज अगर देखा जाए तो टोटल पेज है आपका 5 राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स हैदराबाद रीजनल सेंटर के है और उनका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है इन सभी कोर्स कोड के लिए देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी तरीके की इश्यू आती है देन आप कमेंट कर राइट। और नेक्स्ट अपडेट जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है जिसमें बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का कोर्स कोड BLI 224 है देन उनका वैवा वॉइस रखा गया है, किसके लिए है, तो यह है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के बैकलॉग्स ग्रुप के लिए फाइन। तो इन सभी स्टूडेंट्स का लेक एग्जामिनी का लिस्ट भी निकाला गया है जो कि आप देख सकते हैं नेम, इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम के साथ, कोर्स के साथ, ईमेल के साथ, आपको मोबाइल नंबर, डेट, टाइम, लिंक सब दिया गया है। तो गूगल मीट लिंक के थ्रू आपका वैवा वॉइस होगा। देन सभी स्टूडेंट जिनका कोर्स कोड BLI है 224 देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे, किसी भी तरीके की इश्यू आएगी देन आप कमेंट करेंगे। इस लिस्ट में बहुत सारे का नाम दिया गया है, टोटल 7 पेज का ये PDF है जिसमें 272 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है राइट। तो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फाइन। और नेक्स्ट अपडेट नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम CPLT है या फिर PGDAC है देन स्टूडेंट्स का एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये एग्जामिनी का लिस्ट है फॉर CPLT प्रोग्राम के लिए ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी दे दिया गया है और आपके एग्जामिनेशन सेंटर का नाम भी दे दिया गया है फाइन। तो सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनी का लिस्ट यहाँ पर निकाला गया है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम ये वाला है मींस CPLT है देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जिनका प्रोग्राम PGDAC है देन उनका एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी आपको दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर का आपका नाम बता दिया गया है और ये देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ
एग्जामिनी एट इग्नू रीजनल सेंटर, जिसका कोड है 2702। कॉलेज का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन एग्जामिनी का लिस्ट इसी से स्टडी सेंटर के लिए आपको निकाल दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि नोएडा रीजनल सेंटर के हैं और उनका प्रोग्राम ये वाला है, देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट भी नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का बीएससी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, देन उस स्टूडेंट्स का एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। स्टडी सेंटर वाइज अलग अलग लिस्ट निकाला गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 ये सब मेंशन किया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रीजनल सेंटर 2714 के लिए है और नेक्स्ट है 2718 के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि नोएडा रीजनल सेंटर के हैं और उनका बीएससी का प्रोग्राम है, देन उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम चेक कर ले। हर एक रीजनल सेंटर कोड आपको अलग अलग मेंशन कर दिया गया है, उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। तो सभी स्टूडेंट्स लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम PGDCA है, देन उनका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होने वाला है ओल्ड स्कीम वाले प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, राइट। ऑनलाइन वाइवा होगा आपका, लिंक विल बी शेयर्ड बाय ईमेल और लिंक आपको ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स का नाम, कोर्स सब यहाँ पर डेट टाइम के साथ बैच के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सभी स्टूडेंट जो कि बैंगलोर रीजनल सेंटर के है और उनका ये प्रोग्राम है, देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट पटना रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है, जिसमें बीएड के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप दिया गया है, जिसका शेड्यूल आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेंगे। और वर्कशॉप का आपका डेट है 13 सितंबर को और 24 सितंबर को, राइट। और वर्कशॉप का ये आपका सेशन बताया गया है कि फर्स्ट सेशन वाले इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे और सेकेंड सेशन वाले इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे, राइट। और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के साथ, नेम के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम मेंशन किया गया है और अटेंडेंस आपका मैंडेटरी होगा, जो कि आपको यहाँ पर बता दिया गया है, अटेंडेंस इन ऑल द सेशन इज मैंडेटरी, फाइन। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि PGDCA प्रोग्राम, जो कि न्यू प्रोग्राम या फिर PGDCA टर्म इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका जून 2020 के लिए होने वाला है। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स का यहाँ पर एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है, तो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि स्टूडेंट्स का वाइवा वॉइस होने वाला है, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम MAEDU है उनका, ठीक है, और आपका 16 सितंबर को होने वाला है, टाइमिंग आपको 10 AM बता दिया गया है, फाइन। स्टूडेंट्स का नाम, एनरोलमेंट नंबर के साथ यहाँ पर आपका लिस्ट निकाला गया है। तो सभी स्टूडेंट जो कि भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के हैं और उनका प्रोग्राम है MAEDU, देन वो इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले। किसी भी तरीके की इश्यू आती है देन कमेंट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और यहां से लिस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, जिनका प्रोग्राम PGDEMA है, देन उनका भी वाइवा वॉइस है, वो लिस्ट यहाँ पर निकाला गया है। और नेक्स्ट भी है जो कि जिनका प्रोग्राम MCA है, देन उनका भी वाइवा वॉइस है, डेट आपको दिया गया है 22 सितंबर, फाइन। और BCA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वाइवा वॉइस रखा गया है, जिनका 22 सितंबर को ही है। PGDET प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वाइवा वॉइस रखा गया है, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम MAAN है, देन उनका भी वाइवा वॉइस है, जो कि 27 सितंबर को है। सभी का लिस्ट यहां पर निकाल दिया गया है, तो सभी स्टूडेंट्स इस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर चेक कर ले, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है कि जो भी स्टूडेंट टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए आप अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, देन उनका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिशन होगा और लिंक आपको यहां पर नहीं दिया गया है, जल्दी ही दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, अपडेशन इज अंडर प्रोसेस, वो प्रोसेस में है, जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, राइट। तो दिल्ली रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन होगा असाइनमेंट का दिसंबर 2021 के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम PGDIS है या फिर CCIT के SK है, देन उनका जून 2021 सेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, जिसका शेड्यूल आपको यहाँ पर दे दिया गया है, राइट। तो ये सभी स्टूडेंट्स इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीटिंग आपका देख सकते हैं आप, ऑनलाइन होगा, गूगल मीट लिंक यहाँ पर दिया गया है, राइट। और डेट और टाइम भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये सब था आज का आपका नोटिफिकेशन, जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।